लगभग 2.5 करोड़ इस चैनल ने मुझे कमा के दिया। देखो ऐसे होता है चैनल फ्रीज। लेकिन फिर मैंने एक ट्रिक यूज करी, एक बेहद सिंपल ट्रिक यूज करी, और उस ट्रिक को यूज करने में आप देख सकते हो दोस्तों, आप यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करते हो, बढ़िया कंटेंट डालते हो, एसईओ भी ठीक ठाक कर लेते हो और थंबनेल भी जबरदस्त बनाते हो, लेकिन फिर भी चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, या फिर 100-200 व्यूज के बाद 1.5K 2.1K व्यूज आने के बाद एकदम से व्यू अटक से जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यूट्यूब ने आपका चैनल 100% फ्रीज कर दिया गया। अब यूट्यूब आपके चैनल की रीच को, इंप्रेशंस को आगे नहीं बढ़ा रहा है, मतलब ना ही यूट्यूब आपके चैनल की वीडियोस को यूट्यूब सर्च में दिखा रहा है, ना ही रिलेटेड वीडियोस में आपके चैनल की वीडियो सजेस्ट कर रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों यूट्यूब आपके चैनल को फ्रीज करता है, ऐसी क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, और साथ में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने फ्रीज चैनल को अनफ्रीज कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा विद प्रूफ, जिससे आप अपना चैनल अनफ्रीज कर पाएंगे और आपके चैनल पर व्यूज आने लग जाएंगे। तो चलिए पहले चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन। दोस्तों जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मेरे यूट्यूब पर 50 से ज्यादा चैनल है, ये चैनल उन्हीं में से एक है, और इस चैनल पर लगभग $3 लाख की अर्निंग हुई है, जो थोड़े 2.5 करोड़ के आसपास बैठते हैं इंडियन करेंसी अकॉर्डिंग। ये कोई जमैकन डॉलर नहीं है। इस चैनल के ऊपर 2 बिलियन से ज्यादा व्यू आए हैं और 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इस चैनल के अंदर, और 5 साल के अंदर आप देख सकते हैं लगभग 2.5 करोड़ इस चैनल ने मुझे कमा के दिया। अभी रिसेंटली ना मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक शॉर्ट चैनल बनाया था, ये देखो ये एक शॉर्ट चैनल बनाया था मैंने, और ये चैनल जब मैंने स्टार्ट किया तो धीरे धीरे इस पर व्यूज आने लगे। देखो आप देख रहे हो इस पर व्यूज आने लगे, लेकिन 12 अप्रैल के बाद 13 अप्रैल को देखो चैनल फ्रीज हो गया। देखो ऐसे होता है चैनल फ्रीज, 9 लाख से सीधा 900 व्यू हो गए, नेक्स्ट डे उसके बाद 200, फिर 300 और फिर 200, तो एक हफ्ते तक ये चैनल जो है फ्रीज हो गया, इस पर व्यूज आने बंद हो गए। लेकिन फिर मैंने एक ट्रिक यूज करी, एक बेहद सिंपल ट्रिक यूज करी, और उस ट्रिक को यूज करने में आप देख सकते हो चैनल के व्यूज कितने ज्यादा बढ़ गए, और अब इस चैनल के ऊपर 48 आवर्स के 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज चल रहे हैं, और आप देख सकते हो 28 दिन के अंदर 8,500 के आसपास सब्सक्राइबर भी हो गए, जबकि 8600 टोटल सब्सक्राइबर है इस चैनल के ऊपर। सो ये ट्रिक काम करती है। और फिर मैंने यही सेम ट्रिक अपने एक और पुराने चैनल पर अपनाई, देख सकते हो आप, ये मेरा पुराना चैनल है, इसके ऊपर महीने के $300-350 बनते थे, और जैसे ही मैंने ये ट्रिक इस चैनल के ऊपर लगाई ना, तो देखो जो व्यूज थे, देखो ये व्यू 85-1 लाख के आसपास जो आ रहे थे, ये बढ़ के डबल हो गए 2 लाख के आसपास। अब देख सकते हो 4,48,000 घंटे के व्यूज चल रहे हैं, तो व्यूज भी जो है डबल हो गए, 79% मोर व्यूज देन यूजुअल, मतलब 79% व्यूज जो है इसके बढ़ गए। सो ये ट्रिक क्या थी ये मैं आगे बताता हूं, पहले हम समझते हैं फ्रीज चैनल कब होता है और कैसे होता है। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगा जो मैंने यूज करी है, और ये 100% वर्किंग ट्रिक है। तो चलिए डिजिटल पैनल के ऊपर चलते हैं पहले। तो देखा दोस्तों, ये कोई मिथ नहीं है, चैनल सच में फ्रीज होते हैं, और आसान भाषा में समझाऊं तो फ्रीज का मतलब होता है जम जाना। जैसा भी आपने देखा, इस चैनल पर व्यूज जम से गए थे, लगातार 7-8 दिन व्यूज 200-300 से ज्यादा नहीं आए, जबकि उससे पहले लगातार व्यूज बढ़ रहे थे, और 1 लाख व्यूज के बाद सीधा चैनल फ्रीज हो गया। सबसे पहले आपको बता दूं, आपको ये गलतियां नहीं करनी है अगर आप अपना चैनल फ्रीज होने से बचाना चाहते हैं तो। इररिलेवेंट सब्सक्राइबर्स, दोस्तों ये गलती ज्यादातर लोग करते हैं, अगर आपने भी की है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जिसकी वजह से उनका चैनल फ्रीज होता है, वो है इररिलेवेंट सब्सक्राइबर्स, मींस ऐसे लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा लेना जो वीडियो देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। लाइक आपने क्रिकेट पर एक चैनल बनाया और अपने सभी घर वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, भाई बहनों के दोस्तों से सबसे पीछे पढ़ पढ़ के चैनल को सब्सक्राइब करवा लिया, अब आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन जब आपने वीडियो डाला तो उन 100 में से केवल 10 लोगों ने वीडियो देखा, मतलब 90 लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट में था ही नहीं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, सिर्फ उन्हीं लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो जो तुम्हारी टारगेटेड ऑडियंस है, क्योंकि यूट्यूब उन लोगों के फीड्स में आपकी वीडियो दिखाएगा, और अगर स्क्रॉल करके वो लोग आपकी वीडियो को इग्नोर कर देते हैं तो आगे से यूट्यूब ऐसे लोगों को आपकी वीडियो शो नहीं करेगा, जिससे आपका चैनल फ्रीज हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है सब्सक्राइबर्स वॉच आर सर्विसेज। दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनका चैनल फ्रीज हो जाता है, वो है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम या 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज पूरा करने के लिए फ्री एप्स या वेबसाइट या पेड सर्विसेज का सहारा लेना। दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आप ऐसा करते हैं तो 90% चांस है कि आपका चैनल तो मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन ऐसी मोनेटाइजेशन का क्या फायदा जिसके बाद आप पैसा ही ना कमा सके, क्योंकि यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये सब इनवैलिड एक्टिविटीज के अंदर आता है, जिसकी वजह से आपका चैनल 100% फ्रीज हो जाएगा, जिसके बाद यूट्यूब आपके चैनल को रीच देना बंद कर देगा और आपका चैनल बिल्कुल ही डेड हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं यूट्यूब को यह सब कैसे पता चलता है, तो यूट्यूब आपसे 100 गुना ज्यादा स्मार्ट है और आपसे बहुत आगे है। यूट्यूब सब कुछ ट्रैक करता है,
कौन सा चैनल किस आईपी से कितनी बार सब्सक्राइब किया जा रहा है, और भी बहुत एडवांस तरीके हैं यूट्यूब के पास इनवैलिड एक्टिविटीज को पता करने के लिए। तो दोस्तों आपको जाने अनजाने में भी अपने चैनल पर इनवैलिड एक्टिविटीज नहीं करनी है, वरना आपका चैनल फ्रीज हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वॉचिंग योर ऑन वीडियोस। बहुत से क्रिएटर ये गलती करते हैं जिनसे उनका चैनल फ्रीज हो जाता है, स्पेशली शॉर्ट्स चैनल वाले। कुछ क्रिएटर्स अपनी वीडियोस को पब्लिक करने के बाद उसे बार बार खोलकर चलाते हैं, चार पांच बार वीडियो चला के देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिक्कत तब आती है, उन लोगों को आती है जो व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कुछ लोग तो एक ही फोन से 10-12 अलग अलग ईमेल आईडीज बनाकर उन वीडियोस को लाइक भी करते हैं। ऐसा करने से आपको 100-200 व्यूज तो आ जाएंगे, 10-15 लाइक्स भी मिल जाएंगे, लेकिन साथ में आपके चैनल के फ्रीज होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सो ऐसा नहीं करना है, वरना वीडियोस पर स्पेशली शॉर्ट्स पर इंप्रेशन ही आना बंद हो जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रीअपलोडिंग सेम वीडियो। दोस्तों मैं देख रहा हूं यूट्यूब पर कुछ यूट्यूब गुरु ये एडवाइस देते हैं कि अगर तुम्हारे वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे तो उस वीडियो को डिलीट करके दोबारा अपलोड कर दो। पहले तो ऐसे गुरुज को तुरंत अनसब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा बार बार करते हो तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगेगा कि तुम कोई प्रोहिबिटेड कॉन्टेंट डाल रहे हो या फिर कुछ ऐसा कॉन्टेंट डाल रहे हो जो यूट्यूब ऑडियंस के लिए ठीक नहीं है। सो इसके बाद यूट्यूब तुम्हारे चैनल की आने वाली वीडियो के इंप्रेशन देना ही बंद कर देगा। अगर जो तुमने वीडियो डाली उसमें कुछ गलती थी या फिर वीडियो किसी ब्रेकिंग न्यूज पर था और बहुत अच्छा बनाया था तुमने और उस पर उतने व्यूज भी नहीं आए जितने तुम्हारी नॉर्मली हर वीडियोस पर आते हैं, तो तुम उस वीडियो को डिलीट करके रीअपलोड कर सकते हो, लेकिन अलग टाइटल, अलग डिस्क्रिप्शन और थंबनेल के साथ। वही पुरानी सेम डिटेल्स मत डालना, और ये तभी करना जब तुम्हें लगे कि ये करना बहुत जरूरी है। महीने में कभी एक दो वीडियोस पर कर सकते हो, वरना यार थोड़ी मेहनत कर लो, उस टॉपिक पर एक और वीडियो बना दो, एटलीस्ट चैनल तो सेफ रहेगा तुम्हारा फ्रीज होने से। सो अब तुम लोग जान चुके हो चैनल फ्रीज क्यों होता है और क्या गलतियां नहीं करनी है, लेकिन अगर तुम्हारा चैनल फ्रीज हो चुका है और उसे अनफ्रीज करना चाहते हो तो पहले वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में मुझे थैंक यू बोलो कि मैं तुम्हें ये सब फ्री में समझा रहा हूं। जस्ट किडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चैनल को अनफ्रीज करने के लिए तुम्हें चैनल को प्रोएक्टिव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अपने चैनल को? तुम्हें अपने चैनल को प्रोएक्टिव करना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे भाई प्रोएक्टिव क्या चीज है? मींस उस पर तुम्हें डेली 2-3 रिलेटेबल कम्युनिटी पोस्ट और स्टोरीज डालनी पड़ेगी। सिंपल फोटो डालना, कैप्शन लिखकर, कोई भी लिंक मत पोस्ट करना। लाइक तुम्हारा क्रिकेट पर चैनल है, ठीक है, तुम उस पर डेली क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते थे। अब तुम्हें क्या करना है, उसके ऊपर विराट कोहली या धोनी की फोटो डालनी है, स्टोरीज में डाल देना, कम्युनिटी के अंदर पोस्ट कर देना और कैप्शन में कुछ भी लिख देना, या फिर तुम टेक्स्ट वाला पोल यूज कर सकते हो, इमेज पोल भी डालकर कोई भी सवाल पूछ सकते हो, लेकिन कोई भी लिंक मत पोस्ट करना, इससे यूट्यूब को लगेगा कि तुम अपने चैनल के ऊपर एक्टिव हो, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड चीज आती है वो आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट बन जाओ जब तक तुम्हारा चैनल अनफ्रीज नहीं हो जाता। अब तुम लोग बोलोगे सर हम तो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। देखो शुरू में तो सब कंसिस्टेंट होकर काम करते हैं, लेकिन जब चैनल पर व्यूज नहीं आते या 100-200 व्यूज आते हैं तो हर कोई डिमोटिवेटेड होकर काम करना बंद कर देता है। लेकिन जो लोग इस टाइम पर डिमोटिवेटेड नहीं होते और लगातार काम करते रहते हैं, वही लोग आगे जाके सक्सेसफुल यूट्यूबर बनते हैं। सो अगर आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं तो ऑल्टरनेट डेज में वीडियो डालो, वरना अगर आप एटलीस्ट एक वीडियो पोस्ट करते हो तो और भी बढ़िया है। ऐसा तुम 40-50 दिन तक करो और फिर देखना रिजल्ट अपने आप दिख जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रमोट योर वीडियोस वाया गूगल एड्स। दोस्तों चैनल अनफ्रीज करने के लिए अपने चैनल की उस वीडियो को उठाओ जिस पर सबसे ज्यादा व्यूज है, केवल उस एक वीडियो को गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करो। इससे क्या होगा, आपकी उस वीडियो पर इंप्रेशन बढ़ जाएंगे और जो लोग आपकी वो वीडियो देखेंगे यूट्यूब, देन उनको आपके चैनल की और भी वीडियोस रिकमेंड करेगा, जिससे आपके चैनल की और वीडियोस पर भी इंप्रेशन आने लग जाएंगे। बस एक बार इंप्रेशन आने लग जाए उसके बाद आपके चैनल की रीच, व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ने लग जाएंगे। दोस्तों ये 100% वर्किंग ट्राई एंड टेस्टेड ट्रिक है। इसी ट्रिक को यूज करके मैंने जो आपको चैनल इंट्रो में दिखाया था उसे केवल एक हफ्ते के अंदर अनफ्रीज किया था। इसके ऊपर किसी और दिन मैं आपको डिटेल वीडियो बनाता हूं। बाकी ये ट्रिक जो मैंने आपको बताई है आप इन्हें यूज करना अगर आपका चैनल फ्रीज हो गया है तो। बाकी कोई दिक्कत आए तो मुझे कॉमेंट में बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।